सो अगर TVS कंपनी की बात करें तो अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा अप टू डेट रखती है TVS। फिर उसकी कोई सी भी बाइक ले लीजिए आप, सब में आपको एडवांस फीचर्स मिलेंगे, फर्स्ट इन द सेगमेंट मिलेंगे और प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट फीचर्स मिलेंगे। ऐसी ही इनकी एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, TVS की रेडियन 110 है, जिसमें आपको ठीक ठाक पावर के साथ बेहतरीन माइलेज मिल जाता है और डे टू डे के काम आप इससे इजीली कर सकते हो। लाइक आपको ये भी है कि ज़्यादा लगेज इस पर कैरी करना है, आपको डेली रनिंग ज़्यादा है आपकी, तो बेहतरीन माइलेज है इसका, ठीक ठाक पावर भी मिल जाती है और बजट में आती है। सबसे मेन ये कि आपको बजट में ये देखने को मिलती है। तो जो TVS की रेडियन 110 है, इसका अभी तक कोई अपडेटेड वर्जन नहीं आया है 2030 का, यानी कि जो नए इंजन नॉर्म्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। सो फाइनली TVS की तरफ से एक न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द 2023 वेरिएंट रेडियन 110 का लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसमें इंजन नॉर्म्स तो आप लोगों को सबको पता है चेंज होंगे, बट साथ ही साथ कुछ और भी फीचर्स हैं जो इसमें कंपनी एड ऑन करने वाली है, तो उन्हीं के बारे में करेंगे आज डिटेल में बात। वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपको सबसे बड़े चेंज की, जो होने वाला है इंजन नॉर्म्स में चेंज। तो अब आपको यहाँ पे BS6 फेज 2 नॉर्म्स वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि E20 फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, यानी कि 20% एथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट करेगा। OBD सेंसर के साथ आपको देखने को मिलेगा और जो नए इंजन नॉर्म्स आ गए हैं BS6 फेज 2, उनके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो इंजन पहले से ज़्यादा और स्मूथ होने वाला है और जो माइलेज है आपको वो पहले से और अच्छी मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे पावर फीचर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी टेक्निकली चेंज नहीं होने वाला है, बस आपको सिर्फ इंजन नॉर्म्स चेंज होंगे, लेकिन हाँ इंजन पहले से स्मूथ हो जाएगा तो ऑब्वियसली माइलेज इंक्रीज होने वाला है। दूसरा जो बड़ा अपडेट कंपनी इसमें करने वाली है वो इसके हेडलैम्प से रिलेटेड होने वाला है। अभी यहाँ पे आपको हैलोजन टाइप बल्ब देखने को मिलता है, जिसको चेंज करके कंपनी LED टाइप बल्ब आपको देने वाली है। यहाँ पे LED हेडलैम्प जैसा कि स्टार सिटी वगैरह में आता है, स्टार सिटी प्लस जो आती है, इन सब में आता है। और TVS की यार हेडलैम्प जो LED हेडलैम्प है उनका थ्रू आउट तो बहुत ही शानदार है, DRLs ऑलरेडी इसमें आ रहा है। और तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो है भाई इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में। आपको जो पुरानी वाली रैडर आती थी, रैडर 125, उसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर तो आप लोगों को पता है, इसमें कंपनी पहले ही इंस्टॉल कर चुकी है, लेकिन अब उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको मिलने वाली है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर। यार जब हीरो अपनी 100 CC की बाइक में दे रहा है तो फिर TVS पीछे कैसे रह सकता है। तो आपको अब उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो TFT डिस्प्ले आता है रेडर 125 में, वैसा कुछ इसमें नहीं होगा, ना ही उतने फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट हाँ बेसिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। आप इसमें मैसेज कॉल पॉपअप नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो, जो आपके फ़ोन की ऐप से कनेक्ट करके थोड़े बहुत फीचर्स देख सकते हो, और यहाँ पे आप मतलब टाइम वगैरह सेट कर सकते हो ऐप के थ्रू, और इसमें आप जो है आपके मैसेज वगैरह का ये पॉपअप जरूर दिखा देगा, नाम अपना नेम वगैरह डिस्प्ले पे आप सेट कर सकते हो। तो ये सारे काम कर सकते हो, छोटे मोटे एडवांस जो आपको रेडर 125 में मिल रहे हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। तो बस यही तीन जो है बड़े चेंज इस बाइक के 2023 वेरिएंट में होने वाले हैं, और मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आपको इंडियन मार्केट में ये बाइक देखने को मिल जाएगी इन नई अपडेट्स के साथ। और कुछ प्राइस भी जो है इसकी 1 लाख के अंदर ही रहने वाली है, टॉप वेरिएंट की, डिस्क वाले वेरिएंट की 1 लाख के अंदर ही इसकी प्राइस रहने वाली है। तो बस यही है बजटेड बाइक, बेहतर माइलेज और डेली कम्यूटर सेगमेंट की बाइक TVS की तरफ से ही आने वाली है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर ए गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।